दोस्तों आपने चिकन रेसिपीज तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे क्लाउड किचन में लेकर आया हूँ जहाँ अरोड़ा जी को 50 से भी ज्यादा रेसिपीज बनाने आती हैं, लेकिन ये यहाँ पर चिकन करी और मटन करी ही बनाते हैं जिसमें इनकी एक्सपर्टीज है। और तो और इनकी वाइफ जो कि प्योर वेजिटेरियन है लेकिन उसके बावजूद इनको पूरा सपोर्ट करती है। तो आइए आज अरोड़ा जी के किचन में चलते हैं, इनकी मेकिंग देखते हैं और आज आपको खा करके बताते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज फिर मैं एक नई जगह जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं आज भी अपने जयपुर में ही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो क्लाउड किचन है, लेकिन वो सिर्फ दो रेसिपीज बनाते हैं, सिर्फ मटन करी और एक सिर्फ चिकन करी। उनकी एक्सपर्टीज इन दोनों चीज़ों में है और जो आदमी एक्सपर्टीज रखता है उसका तो टेस्ट आप समझ ही सकते हो। अरोड़ास किचन के नाम से है और आज अरोड़ा जी से बात करते हैं और आज उनके यहाँ चल करके बढ़िया चिकन रेसिपी खाएंगे। ज़्यादा देर नहीं करते, चलते हैं, आइए। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन आशीष जी, आपका अरोड़ा किचन में हमारी तरफ से नमस्ते। मैडम नमस्ते, स्वागत है। तो सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आशीष जी, आप आए और बढ़िया लगा आज। आज तो मतलब आप फुल रेडी मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। आज क्या बना रहे हैं? आज हम बनाएंगे चिकन करी, स्पेशल चिकन करी बनाएंगे जिसमें राजस्थान की लालिमा भी होगी क्योंकि यहाँ लाल रंग पसंद किया जाता है। पंजाब का प्यार भी होगा और कुछ हमारे हाथों का प्यार भी होगा कि जो लोग पसंद कर रहे हैं, काफी लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। मैडम सिर्फ वेज देखती हैं। अच्छा। और ये नॉन वेज को खाती भी नहीं है, हाथ में लगाती, तो आज बस इतनी इंट्रोडक्शन कराऊंगा। वेज किचन बहुत अच्छी चला रही हैं तो वो सारा इन्होंने संभाला हुआ है। आइए सर, आइए आइए। बिल्कुल, ये है जी, देखो बिल्कुल घर का किचन है ना। तो अरोड़ा जी अपना, कोई नहीं, अरोड़ा जी बोल लीजिए मुझे भी। आशीष जी आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया जी, पूरी तैयारी हो रखी है, मतलब तैयारी हाँ कर रहे हैं बिल्कुल अभी। तो सर मतलब कैसे, क्या था, कैसे स्टार्ट किया, क्या कहानी है पीछे की? देखो ये स्टार्ट तो हमने सितंबर 2022 को किया था, वेज किचन को रजिस्टर कराया था, नॉन वेज हमारे माइंड में था। बट कहते हैं ना कि जब आपके कर्मों में लिखा होता तभी आता है। शौक तो मेरा इसका 2013 में भी था कि मैं खाने का कुछ शेयर करूं। जब मैंने टाटा डोकोमो कंपनी बंद हुई तो उसमें जोनल हेड था मैं। ओ, क्या और बात? उसको जब बंद हुए तो फिर मैंने सोचा अमरपाली पे यहाँ सर्कल पे ना वो लगती है चौपाटी, तो अमृतसरी नान छोले वाला कोई नहीं था और बींगे पंजाबी हम चीज़ों को मिस करते थे। सोचा भी था कि कारीगर ला के ठेला लगा देते हैं उसको, उसमें चैलेंज आता है कि कारीगर अगर नहीं टिका तो आपका काम बंद, आपके हाथ से गया। बिल्कुल सही, बट आप बना नहीं सकते वो चीज़ें जो उनके हाथ में शफा होती है। तो हुआ क्या था उस समय, वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। फिर कोरोना कॉल में भी हमने सोचा कि करते हैं, फिर सोचा चलो अभी कोरोना है तो बाद में करेंगे। बट फाइनली सितंबर में हमने डिसीजन लिया और इसको काम को कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिसको कोई नहीं जानता था आज उस राजेश अरोड़ा को बहुत सी दुनिया ने जाना और बहुत सी जगह रेसिपी मेरी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अभी सबसे पहले हम सरसों का तेल डालेंगे, ये ऑर्गेनिक सरसों का तेल है और आप ये चीज़ नोटिस करेंगे मैं हर चीज़ ना चुटकी से नहीं डालता या हाथ से नहीं डालता या अंदाज से नहीं, हर चीज़ मैयर करके डालेंगे। और मैयर करके डालने का मतलब ये है कि मैं नमक भी तोल के डालता हूँ, आप सुन के हैरान हो गए। कस्टमर जब ऑर्डर देगा तो हर बार वही टेस्ट मिलेगा। अच्छा, तो उसको ये नहीं कहना पड़ेगा कि अरोड़ा जी इस बार टेस्ट का फर्क है। तेल इसमें डाल दिया है, खुशबू आने लग गई सर वैसे, है ना? ये ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल है। बिल्कुल सही है। और ये देखो इन्होंने बिल्कुल घर की जो तैयारी होती है वो पूरी करी है। ये देखिए लहसुन भी किस क्वालिटी का है, कोई ऐसा नहीं है कि लहसुन हमने हल्की क्वालिटी का लिया है। अदरक भी बिल्कुल साफ छील के डालते हैं। क्या करेंगे अभी जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक ये मिक्सी में थोड़ा सा इसको ग्राइंड करते हैं जी। और थोड़ा सा लहसुन हम साबुत भी डालेंगे क्योंकि जब ग्रेवी में आएगा ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो कुछ मिर्ची भी साबुत उसमें डालेंगे, कुछ हम ग्राइंड करेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे। बढ़िया, तो ये सारी चीजें एक साथ ग्राइंड हो जाएंगी। एक साथ ग्राइंड हो जाएंगे। इसको आपने देखा होगा हमने दरदरा किया है, बहुत बारीक नहीं किया, बारीक से पेस्ट बन जाती है और प्याज भी घुल जाएगा। तो हल्का सा जो पंजाबी टच होता है ना वो मसाले कटिंग वाले आने तो चाहिए, मुंह में आता है ना जब तब मजा आता है, तो उस तरह से ये मसाला किया बाइट में आना चाहिए। बहुत बढ़िया जी, अब ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम करेंगे साबुत मसाले डालेंगे। आप ये देखिए अजवाइन कोई नहीं यूज करता, अजवाइन के बहुत से गुण है, मैं बताना चाहूंगा कि पुराने जमाने में जब भी पेट दर्द होता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, माएँ डॉक्टर के पास या दवाई लेने जाती है, जैसे आजकल फट से चले जाते हैं तो एक थप्पड़ भी पड़ता था माँ का प्यार वाला, पेट दर्द हो रहा है या अजवाइन का खा ले। बिल्कुल बिल्कुल। और यह अजवाइन ताकि डाइजेशन में प्रॉब्लम ना आए। बाकी सारे मसाले इन रूटीन जो होते हैं, ये आ गई जी, अभी क्या डाला आपने? अभी काली मिर्च साबुत, ठीक है, ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग है। बहुत बढ़िया। ये जावित्री और कमल का फूल है और इसमें प्याज भी अभी डाल देंगे सारे एक साथ ही डाल देंगे एक ना? साथ ही एक साथ ताकि मसाले जले ना मसाले जले ना। और ये मैं देख रहा हूँ आपने सिपरी बहुत बड़ी ली है।
आइए, आप लोगों की मेहरबानी है कि पहले कोई नहीं जानता था, रोज के जब एक दिन ऑर्डर आ गए 5 किलो के तो कढ़ाई में तो 2 किलो बन सकता था। मैंने कहा आज इसी मौका भी है तो उसके बाद में ले लियो। इसमें बनाने का मजा आता है और उसके बाद खाने का मजा आता है, वो अलग ही है। क्योंकि जो कढ़ाई होती है ना उससे एक तो स्टीम निकल जाती है बाहर, इसमें नेचुरल स्टीम में पकता है। दूसरा, मेरी टी शर्ट कढ़ाई किसी छींटे निकलते ना जो मसाले की, सारी टी शर्ट खराब हो चुकी है। अच्छा। तो मैंने कहा ये वो भी बचाव करेगी, टेस्ट भी बढ़िया बनाएगी। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो लहसुन का पेस्ट भी अभी इसी में चला जाएगा, लहसुन और हरी मिर्च, हरी मिर्च का पेस्ट। देखो क्लाउड किचन की खूबसूरती ये होती है, सब कुछ फ्रेश, कुछ भी पहले से बना हुआ नहीं है, अभी सब कुछ हमारे सामने बन रहा है और यही होता है टेस्ट का सबसे बड़ा कारण। और मेरा आशीष जी सिस्टम भी यही है, कस्टमर जब ऑर्डर करता है उसके बाद मटन चिकन परचेज किया जाता है, मैं पहले परचेज कर रखता। अच्छा। कस्टमर ऑर्डर करता है, पेमेंट करता है एडवांस, ताकि मेरे को श्योर हो जाए हाँ बुकिंग कंफर्म है, नहीं तो शाम को मूड बदल जाए, कह नहीं सकते, भगवान की दया, ऐसा ऐसा हुआ नहीं अभी तक। अदरवाइज क्लाउड किचन घर के चिकन का और ढाबे के चिकन का फर्क नहीं रह जाएगा, जो पहले से बना के रखा हुआ है, पहले से ग्रेवी सेट करके रखी हुई है, आधा बॉयल कर रखा हुआ है, आपको हर चीज फ्रेश मिलेगी, इस बात की गारंटी है। बिल्कुल सही है। तो देखो दोस्तों, अभी सर ने ये लहसुन की कलियां भी डाल दी है जो दिखाई थी सारी, और ये जो है ये हरी मिर्च 2 टुकड़े करके डाली जाएगी। अच्छा, साबुत। ये जब ग्रेवी आप खाएंगे ना, लपटपाटी ग्रेवी, जब उसमें लहसुन की कलियां हाथ में आएंगी और मिर्ची आएगी, वो खाने का कुछ स्वाद ही अलग आएगा। क्योंकि जब तक मसाले में हल्का सा दांतों के नीचे आके क्रंच ना आए ना अदरक लहसुन का, तो मजा नहीं आता है। इसलिए बोला था कि उसमें पंजाबी टच भी होगा, लाल रंग राजस्थान की होगा और हमारा प्यार भी होगा। मतलब जो आप ये एक्सप्लेन किया ना, क्रंच वाली बात है, पानी आ गया मुंह में। ये आ गया टमाटर। आपने कभी नोटिस किया होगा कि टमाटर ना किसी भी सब्जी में डालते हैं तो उसके छिलके गोल गोल हो जाते हैं, सब्जी गल जाएगी, टमाटर गल जाएगा, लेकिन छिलके नहीं गलते। छिलका नहीं गलता जी, बिल्कुल। ये छिलके गोल गोल होके जब अंदर जाके फंसते हैं तो स्टोन का बहुत बड़ा कारक होता है, तो मैं जब भी टमाटर का यूज करता हूँ छिलके उतार के ही करता हूँ। तरुणा जी, आपको किसने सिखाई थी कुकिंग? कई बार क्या होता है, पुराने जमाने में डॉक्टर होते थे ना, उनके यहाँ कंपाउंडर होते थे, तो कंपाउंडर भी डॉक्टर सीख लेते थे, आधी दवाई तो कंपाउंडर देता था। हमने तो वहां भी नहीं किया, हमारा कोई दूर दूर का रिश्तेदार भी इस काम में नहीं है, लेकिन खुद बनाने का एक मेरे को चाम था। तो सबसे मजे की बात है, मेरी वाइफ अंडा तक नहीं खाती। अरे वाह। चिकन तक तो दूर की बात है, मटन दूर की बात है, लेकिन मेरे को उसने मेरे पैशन को बढ़ाने के लिए कभी रोका नहीं कि आप ये मत बनाओ, ये ना करो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे इन-लॉ सब ब्रह्म कुमारीज हैं और प्याज तक नहीं खाते, तो फिर भी मेरे पैशन के लिए उन्होंने कभी रोका नहीं कि ये काम नहीं। अच्छा, मतलब सपोर्ट पूरी है, बिल्कुल सपोर्ट किया। यस यस यस, क्या बात है। फिर बिल्कुल सारी चीजें फ्रेश बना रहे हैं और यहाँ पे देखो बिल्कुल इन्होंने सारे मसाले सजा रखे हैं और सारे खड़े मसाले मेरे को दिख रहे हैं, है ना। मटन चिकन का ज़्यादा काम है इनका और राजस्थान में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा चीज़ें लोग मटन चिकन सारी चीज़ें पसंद करते हैं। इनका टच मेरे ख्याल से पंजाबी और राजस्थानी दोनों मिक्स है। यस, और ये सोशल मीडिया की पावर है कि आज जिस राजेश्वरा कोई नहीं जानता था आज काफ़ी लोग जानते हैं, और मेरी रेसिपी मैं कहूँ तो महाराष्ट्र पहुँच चुकी है, पुणे, दिल्ली के बहुत से लोग आके टेस्ट कर चुके हैं, जयपुर तो है ही है, उसके अलावा यूपी के लोग, आगरा के लोग, गाज़ियाबाद के लोग, और जहाँ जहाँ आते हैं मैं पूछ लेता हूँ। आशीष जी, बहुत से वीडियोस मैं भी देखता रहा, बहुत वीडियो देखता हूँ, सब कहते हैं सीक्रेट मसाले, सीक्रेट मसाले, सीक्रेट कुछ नहीं है। सीक्रेट यही होता है किसी रेसिपी में जब आप कुछ डालते हो कितनी क्वांटिटी में डालते हो, प्रोपोर्शन में, जो टेस्ट लेके खाते हैं ना उनको उनको पता चल जाता है, समझ आ जाता है। तो इसको सोचते हुए मैंने फिर सोचा कि इसका हल एक ही है कि नमक को भी मिर्ची को भी नाप के तोल के डाला जाए। मैं 1 किलो में 15 ग्राम नमक, वैसे सीक्रेट कुछ नहीं होता, सीक्रेट यही होता कि 1 किलो में कितना नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालनी है, कितना धनिया डालना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये जी देखो बिल्कुल इन्होंने ना काटा रखा हुआ है जी यहाँ पे, और इसके ऊपर अभी नमक डाल रहे हैं ना। आज 1 किलो की मेकिंग हो रही है और उस हिसाब से जो है मेजरमेंट है, ये देखो जी 15 ग्राम। आप 4 किलो में 60 ग्राम नमक डाल दीजिए जी, टेस्ट का 1 रुपए, 1% का फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एक नॉर्मल टेस्ट होगा। क्या बात। तो दोस्तों आज जो हम आपको रेसिपी दे रहे हैं ना, आप विश्वास रखिए ये वाली चीज और इस मेजरमेंट्स के साथ आप अपने घर पे बनाएंगे ना, देखिएगा अच्छी बनती है तो ठीक है, नहीं तो अरोड़ा जी का किचन तो है ही। बाकी देखिए ये इन्होंने यहाँ ले लिया है 1 किलो में 17 से 18 ग्राम धनिया डालता है, ये 3 चम्मच भर के, तो 17-18 ग्राम हो गया। धनिया एक फ्लेवर भी देता है, प्लस धनिया ग्रेवी की थिकनेस को भी अच्छा करता है। बहुत बढ़िया। और ये सारी चीजें डाली जा रही है दही में, है ना। हल्दी जो डलती है बहुत कम डलती है, इसको नापने की जरूरत नहीं है, आधा चम्मच इतनी की डलेगी बस। ओके जी। और मिर्ची डलेगी मीडियम के हिसाब से बना रहा हूँ मैं, मिर्ची 1 चम्मच बहुत है, ये 5 to 6 ग्राम है, मैंने मेजर करी 5 ग्राम के करीब अंदाजन होगी। ओके। अगर अपन डालते हैं तो पता चल जाएगा, अभी देखिए 5 to 6 ग्राम मैंने बोला। बिल्कुल सही है। तो ऐसा डालते हैं, उसके बाद मुझे पता है कि इतने टाइम से कर रहे हैं तो इनको सारी चीज़ों का अंदाजा है,
और तजुर्बा तो बोलता ही है, उसके बावजूद ये सारी चीज़ें रखना, तोल के डालना, ये सब कुछ हो रहा है कि आपके पास एक इंच भी मतलब यहाँ से वहाँ स्वाद नहीं होना चाहिए, सही है? ये क्या डाला आपने? ये इसमें मीट मसाला डाला है तो चिकन के फ्लेवर का स्ट्रेंथ देगा। अच्छा, मीट मसाला डाला है, ओके। अब ये मसाले की पेस्ट इसलिए बनाई जा रही है कि मसाले आराम से एक दो घुल मिल जाते हैं, दूसरा मसाले जलते नहीं हैं। तो इसमें हमने 150 ग्राम दही लिया था, एक किलो में 150 ग्राम दही होता है, दही भी पहले तोल के लिया है कभी भी, और ये पहले इसको फेंट लेंगे हम, उससे क्या होगा दही ग्रेवी में फटेगा नहीं। इसी तरह मिक्स कर लेंगे, ये देखो जी, तो बराबर हो जाएगा ताकि मसाले की जो जब ग्रेवी बनेगी ना, हाँ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ग्रेवी में फर्क डाल देंगी, आपके टेस्ट में 19 की जगह 21 कर देंगी, और वो 19 से 21 होते ही फिर जायका चेंज होता है। जी मैं दो ही चीज़ें बनाता हूँ, मेरा मोटिव जो है, वैसे कई बार मन में आता है कि ये भी बनाओ, कहते हैं ना नॉलेज ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो मैं चाहता हूँ कि नॉलेज सबकी नहीं लेनी। मटन करी और चिकन खारी करी खाने में जब भी लोगों के मन में नाम आए तो एक बार मेरा नाम जरूर आए, हमारा नाम अरोड़ास किचन का जरूर आए, भले मंगवाए या ना मंगवाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टॉप में काउंट हो। और कहते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स में पास होने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही सब्जेक्ट मटन करी और चिकन करी में ऐसा नाम बनाना चाहता हूँ जो मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, मेरा एक्सपर्टीज है कि इसमें जब भी खाने का किसी का देसी वाली, जब भी खाने का किसी का मन करे वो मंगवाए भले किसी, लेकिन एक बार सोचे जरूर कि वहां से मंगवाते हैं। बस दो तीन मिनट और हैं, फिर अपन इसमें ये दही का जो पेस्ट बनाया मसालों का ये डालेंगे। तो सर एक किलो अपन आज बना रहे हैं चिकन, है ना, उसके लिए प्याज अपन ने कितना डाला था? एक किलो में 450 ग्राम प्याज डाला था, लेकिन यहाँ पे जो मटन और चिकन का रेट बताता हूँ वो किलो नेट ऑफ मीट है, कि अगर 800 रुपए किलो मैं चिकन दे रहा हूँ तो 800 रुपए में एक किलो चिकन आएगा, ग्रेवी वेट्स के साथ जब आपके पास आएगा वो 1.5 किलो प्लस होगा। बिल्कुल सही है। तो आशीष जी अब समय आ गया है कि इसमें ये जो मसाले का पेस्ट बनाया था हमने दही के साथ वो भी डाला जाए, और चिकन में होता क्या है कि चिकन गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से कहते हैं ना कि जयपुर से दिल्ली फ्लाइट से जाते हैं 40 मिनट का रास्ता है, लेकिन घर से एयरपोर्ट जाते हुए 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, और वैसे उसी तरह चिकन की भी तैयारी ऐसी है, मसाला बनने में समय लगता है, चिकन बनने में समय नहीं लगता। तो मसाले की भुनाई इस लेवल तक करनी है कि आपको टेस्ट अच्छा है। ये देखो दोस्तों इसमें डाल दिया बिल्कुल जो दही में सारा मसाला डाला था। अब इसका रंग देखना और इसका मसाले का जब फ्लेवर आएगा, ये 2-4 मिनट घुल जाएगा, तो फिर इसमें टमाटर भी जो हम काट के डाल देंगे। मैंने अपने कस्टमर को बता देता हूँ कि अगर मटन खाना है तो सुबह 10:30 बजे ऑर्डर दे दें, क्योंकि झटका मटन की दुकानें कम है और झटका मटन के फिर पीसेज ढंग के नहीं मिलते शाम को। अगर कोई शाम को फ़ोन भी आता है 5 बजे तो मैं मना कर देता हूँ, नहीं अब नहीं बन पाएगा। तो मैं नहीं चाहता कस्टमर पैसे भी खर्चे, मैं अपनी मेहनत भी लगाऊं, और मेरे तो चर का है ही है, कस्टमर के स्वाद नहीं आएगा तो मुझे कोई मज़ा नहीं आएगा। अब देखिए इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, ग्रेवी देखिए कैसी हो गई है, बहुत ही शानदार। अब इसमें 1 या 2 मिनट और बुनाई करके ना इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे क्रंच करेंगे ताकि जो प्याज के लच्छे हैं वो कट जाएं। इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर को ब्रीक ब्रीक करके ऐसे डालेंगे कि इसकी प्यूरी ही बनी हुई जाएगी किस्म से। क्या बात है, मतलब आपके हाथ जिस तरह से चल रहे ना समझ में आ रहा है, मतलब समय हो गया, मतलब है जी समय हो गया है, और मेरे को कुकिंग का शौक है, और कई बार मेरी बेटियां बोल देती हैं पापा जी आप बना दो आज, मेरी स्पेशली बड़ी बोटी बोलती है जब ऑमलेट खाना होता है। तो ऐसा भी होता होगा कि अरोड़ा जी जैसे आपके 2-3 बच्चे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब किसी को आपका पसंद है, किसी को माँ के हाथ का पसंद है, तो कभी ऐसा होता है कि दोनों की डिमांड है तो दोनों को कभी कभार किचन में लगना पड़ता है कि बेटी को तो मेरे हाथ का खाना और उसको मदर का। ऐसा सच नहीं है, लेकिन अब हो गया थोड़ा सा, बड़ी बेटी को हो गया कि पापा जी आप, जो खैर स्पेशली जब ऑमलेट खाना होता है वैसे तो माँ के हाथ का सब कुछ खा लेते हैं। सुन के रहा उनकी जो अभी मंथली वाले कस्टमर लगे हैं उनकी बेटियां और उनकी माएँ यहां जब आती हैं मिलने के लिए अपनी बेटियों को, हमें आशीर्वाद देके जाती हैं और मिठाई का डब्बा लेके आती है, जैसे रिश्तेदार आते हैं, सिर्फ इसलिए थैंक्स करके जाती हैं कि एक हमारी चिंता थी पढ़ाई की जो हल हो गई, दूसरी चिंता जो खाने की मेजर रहती है, आजकल बच्चे कहीं भी जाकर तो खाना ढंग का नहीं मिलता, अगर आपने खाने की चिंता हमारी दूर कर दी, हम बच्चों को बोल सकते हैं कि पढ़ाई पे जोर देना, खाने की चिंता तो आपकी खत्म हो गई। बहुत बच्चे रोज खाने की फोटो खींचते हैं, अपनी माँ को भेजती हैं, उनकी मदर फिर मैसेज भेजती है, और हमने कोई चीज कभी रिपीट नहीं करी, जो दोपहर को दे दिया वो शाम को नहीं जाएगा, जो शाम को दे दिया अगले दिन नहीं जाएगा, हर दिन नया खाना बना के देते हैं उनको। तो दोस्तों जो ये मंथली सर ने बोला ना कि हमारे मंथली बंदे हुए, उसका मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ स्टूडेंट्स और जो बाहर से आते हैं यहाँ पर जॉब करने के लिए या पढ़ने के लिए, तो वो लोगों को मंथली सब्सक्रिप्शन पे है, मंथली सब्सक्रिप्शन पे यहाँ से खाना लंच डिनर जो भी है वो यहाँ से भेजा जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सही बात है अगर कोई कमाने जा रहा है या कोई पढ़ने जा रहा है तो वो खाने का देखेगा या पढ़ेगा, और ये भी एक अपनी टेंशन होती है, तो वो टेंशन इन्होंने उनकी सॉल्व कर रखी है, और अच्छी बात है ये टेस्ट मिल रहा है तो कोई कोई घर में बनाएगा। देखिए आशीष जी अब मसाला लगभग हो चुका है, जाली सी बन गई है,
और ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो चिकन है लेगन थाई, सिर्फ आपने देखेंगे देखोगे लेगन थाई बड़े अच्छे शानदार साफ पीसेस हैं, और हम डालेंगे मसाले के ऊपर आराम से। बहुत भरे हुए पीस लाए हो आप तो। बिल्कुल, ये तकरीबन 600 ग्राम का एक पेयर होता है, दो लेगन थाई। अच्छा, 600-550 ग्राम। तो बड़े कितने किलो का मुर्गा लिया था आपने? ये 1200 ग्राम का होता है। मैं ब्रेस्ट और विंग्स या चेस्ट बाकी लाता ही नहीं, गर्दन। इसमें आप देखेंगे लेगन थाई है, क्योंकि घर में भी जब खाने की टेबल बैठते हैं सब इसी के ऊपर लड़ते हैं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जिसमें लड़ते हैं वही डाल दो, वही डाल दो ताकि प्यार बना रहे फैमिलीज का और लोग भी खुश रहे। नहीं तो कई बार लड़ते नहीं है तो सोचते जरूर है कि लेग खा गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेकिन 5 मिनट बाद जब ये हल्का सा मसाले में इसको भूनेंगे, 5 मिनट जो पानी डालेंगे वो गर्म डालेंगे, ठंडा पानी कभी भी मटन या चिकन या कोई भी सब्जी बनाओ। अब इसको धीमी आंच पे या मीडियम आंच पे, वैसे पका हुआ चिकन खा के आप जब टेस्टिंग करेंगे होपफुली जैसे ग्राहकों को पसंद आ रहा है वैसे आपको भी पसंद आएगा, और आप जो भी रिपोर्ट होगी फिर इसकी सबमिट करेंगे। सही है, ये हो गया जी, पानी गर्म है ना, ये बॉयल्ड वाटर है, और थोड़ा सा डालेंगे देखें कि जितना चिकन में ग्रेवी हमें चाहिए। अच्छा, और पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और बाकी हम इसको अब ढक देंगे। अब ये इसको धीमी आंच पे पकाएंगे अपन, बिल्कुल धीमी आंच पे। बिल्कुल धीमी आंच पे। A few moments later. तो आशीष जी, मेरे ख्याल में 15-20 मिनट हो चुके हैं, हमने ढक के रखा था, तो अब देखते हैं, मेरे ख्याल में पक गया होना चाहिए जी, तो अब इसको खोलते हैं। बहुत बढ़िया, तो दोस्तों ये देखो ये खुल रहा है, क्या बात है, और ये धीमी आंच पे खुलते हैं, धीमी आंच पे पका हुआ है बहुत, और आप देख सकते हैं कि जो आइडिया था ना कि पक चुका होगा, इसके बोन्स कैसे अलग हो चुकी हैं और छोड़ चुकी हैं, तो ये एक निशानी होती है। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखो ये अब जो है बढ़िया पक गया है, और अब इसके ऊपर कसूरी मेथी डलेगी। तो आप अक्सर कसूरी मेथी डालते हो कि धनिया? हाँ, चिकन के ऊपर मैं धनिया नहीं डालता, कसूरी मेथी डालता हूँ, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। ये धनिया की भी कसर निकाल देगी, वैसे तो कुटी बारीक है, लेकिन इसको ऐसे करके डालेंगे और ढक देंगे, जब तक आपके लिए चपाती बनेगी ना टेस्टिंग के लिए जी, तो तब तक ये ढका रहेगा। अब तो इस आप देखना इसमें कसूरी मेथी का कितना शानदार अरोमा आ जाएगा। कसूरी मेथी डाल दिए जी, अब चिकन अपना हो चुका है रेडी, अब चपाती लगवाते हैं और लगवाते हैं इसको। ठीक है सर? ठीक है जी, ठीक। अब ये बिल्कुल ये देख के लग रहा है कि नहीं लग रहा कुछ बना है, पूरा रोगन बाहर आ गया, तेल पूरा ऊपर आ गया। ये देखो पीस यार, क्या बड़े बड़े पीसेज हैं, देख रहे हो? ये तो आ गए जी 2 लेग, और आपने बोला था कौन सा? थाई। थाई, तो दोस्तों लेग और थाई ये दो ही पीसेज जो हैं सर यूज़ करते हैं, ये देखो। और नॉर्मली भी जब आप घर में खाते हैं तो आप देखते हैं कि लोग इसी पीसेस को पसंद करते हैं। और दूसरा मेरे को ये था कि किसी ने फीडबैक दी थी कि ब्रेस्ट वगैरह कच्चा था, तो मैंने उसको बोला कि ब्रेस्ट तो 1200 ग्राम की जब होता है तो गलता नहीं है, उसको जितना मर्जी कर लो जी जी। और वैसे भी कोई पसंद नहीं करता उसको, तो फिर मैंने कहा कि लेगन थाई अगर अपन चिकन वाले रेट में देते हो तो क्या बुराई है, जबकि इसकी एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं लोग। सही बात है। और ये देखो दोस्तों ग्रेवी जो है ना इसकी, एक बार और देखो लपटवा ग्रेवी, बिल्कुल प्याज की थिक ग्रेवी एकदम, बिल्कुल घर के रोटियों के साथ मैडम ने बिल्कुल रेडी कर दिए। वेस्टर्न काम सारा वाइफ का है, रोटी भी देखो जैसे वाइफ ने बना के दी है, तो मेरा काम वहाँ तक था और पूरा सपोर्ट है। तो आशीष जी ये मेरे तरफ से रेडी है, और जेन्युइन फीडबैक दीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें अगर कोई कमी बेशी है तो। सर जैसे आपका काम टेस्ट से चल रहा है ना, हमारा जेन्युइन रिव्यू से चल रहा है। बिल्कुल, तो चलिए लगवाते हैं इसको जी और खा करके आपको बताते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा, मेरा नाम है आशीष, और जैसा कि आपने पूरी अभी मेकिंग देखी, जो देसी चिकन होता है ना, अरोड़ा जी ने जो क्या तजुर्बा है इनको यार। और दूसरी चीज़ मेरे को आज ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि एक आदमी जिसको बहुत सारी चीज़ें बनाने आती हैं लेकिन उसने ज़्यादा रश नहीं कर रखा, इन्होंने सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस किया हुआ है, मटन करी और चिकन करी, और आज हमने इनकी चिकन करी बनवाई है। और मेरे पास फ्रीक्वेंटली कॉमेंट्स आते हैं बहुत सारे लोगों के जो चिकन की मांग करते हैं कि सर आपने मटन रेसिपीज़ तो बहुत दिखा दी, कहीं चिकन रेसिपी दिखाइए, ऑथेंटिक देसी चिकन रेसिपी दिखाइए। तो ये है जी आज आपके सामने प्रिपरेशन, अरोड़ास किचन से लाए हैं हम ये आपके लिए, आप देख सकते हो बिल्कुल जो है ना चिकन की। तो ये देखो यार ये जो ग्रेवी है ना, बिल्कुल जो प्याज है बकायदा, बिल्कुल ये देखो इसके अंदर आपको प्याज दिख रहे होंगे, इसमें आपको लहसुन की कली दिख रही होगी, और ये देखो ये डालते हैं अपन इसके ऊपर है ना, बिल्कुल देख रहे हो, और इसको पहले उठाते हैं और
अब क्योंकि रुका नहीं जा रहा, बातें बहुत सारी करेंगे खाते खाते, बट पहले इसको एक बार खा करके देखते हैं, मज़ा आएगा। आहा, सुगंध। क्या टेस्ट है यार, जो देसी टेस्ट होता है ना, बिल्कुल जो लपटवा ग्रेवी, बिल्कुल जिसमें सारे मसाले आपको फर्स्ट बाइट में ही फील हो जाएंगे। इसके अलावा जो ये लहसुन की कली आई थी ना मुंह में, शानदार शानदार यार, ये देखो। और सबसे अच्छी बात है इसकी जो सुगंध आ रही है ना, उसके अलावा जो कसूरी मेथी थी ना उसकी सुगंध और उसका फ्लेवर ऊपर ही लगा हुआ था, बहुत सही यार। इसको तो देखो, इस पीस को तो मैं ऐसे ही खाने वाला हूँ, बिल्कुल ऐसे लगा के। ये देखो, ये दोबारा देखो इस पर आ गया ये लहसुन, ये लेते हैं एक बार और। बहुत सही गलावट, जिसको बोलते हैं ना टाइम देके पकाने के बाद जो फील आता है ना खाने का। आजकल क्लाउड किचन बिजनेस बहुत आ गया है मार्केट में, लेकिन चलेगा उसका जो टेस्ट देगा, ठीक है। तो आज हम अरोड़ा जी के आए हैं, हालांकि ये मटन भी बनाते हैं, देसी मटन करी बहुत अच्छी बनाते हैं, हमने इनके चिकन के बारे में भी बहुत सुना था, तो आज हमने चिकन बनवाया है हमारे उन व्यूअर्स के लिए जिन जो चिकन लवर्स हैं। और ये वाली प्रिपरेशन एक नंबर है। तो ये देखिए जी, रोटियां आम की, बढ़िया। इसको तोड़ते हैं और अब इसको है ना सिर्फ ग्रेवी लेते हैं एक बार, या फिर चलो इसका भी एक बार ले लेते हैं। ये देखो, इसको लेते हैं, देखो इसमें, ये देखो, और ये देखो, ये है मामला, देख रहे हो, ये देखो यार, दिस इज़ माई बाइट, सी। आहा, और ये डालते हैं इसके ऊपर अपन, जो अरोड़ा जी ने प्याज रखे हैं बढ़िया मिर्च मसाले लगा के। और चिकन रेसिपी है तो नींबू तो ज़रूर डालेंगे जी। ये देखो, अब जो फील आएगा ना, एक नंबर टेस्ट है यार, एक नंबर, मज़ा आ जाएगा आपको ये प्रिपरेशन खा के, सीरियसली यार। बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, मसाले फ्लेवर सब एक ही बार में मुंह में आ गया, गलावट बहुत अच्छी है। देखो वैसे मेरे को ना अरोड़ा जी की एक और बात सही लगी, पसंद आई, वो ये कि जब ये प्रिपरेशन कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि ये जो मुर्गा लेते हैं, एक तो ये 1 किलो 200 ग्राम का मुर्गा लेते हैं जो आज इन्होंने बनाया है, बड़ा मुर्गा है, और दूसरा इसके पीसेज आप देखो, देखो चेकआउट करो, ये एक थाई का पीस है। और इनकी सबसे अच्छी खूबसूरती ये भी है कि ये जो अपनी प्रिपरेशन में जो आपको पीसेस देते हैं ना, वो लेग और थाई ही देते हैं, दूसरा कोई पीस यूज़ नहीं करते। तो कई बार होता है ना लड़ाई हो जाती है, लेग आते हैं खाने वाले होते हैं ज़्यादा, तो लेग जो खा लेता है तो दूसरा आदमी उसको देखता ही रह जाता है, तो वो प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व कर दी। दोस्तों इनकी रेसिपी तो पास हो गई, इस रेसिपी की और इस प्रिपरेशन की जो रेटिंग होनी चाहिए ना, वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और इसकी रेटिंग बकायदा ये होनी चाहिए, स्क्रीन पे आपको प्राइस भी दिख रही होगी, 1 किलो की ये प्राइस है कि जयपुर में बेस्ट चिकन कहाँ मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ कि अरोड़ा जी के यहाँ पे ये वाली जो चिकन रेसिपी है ना बेस्ट है, उंगलियाँ चाटने वाली जिसको बोलते हैं, चटपटी। और क्योंकि क्लाउड किचन है तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्लाउड किचन में आपको प्रायर ऑर्डर्स करने पड़ते हैं, तो कुछ भी आपको चाहिए तो एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे पहले या 3 घंटे पहले आप इनको बता देंगे, तो बहुत ही अच्छे से फ्रेश मेकिंग करके ये आपको भिजवा देंगे। ऑर्डर करने के लिए आपको जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे कि आपको पता है कि हम हमारी सारी वीडियोज़ को यूट्यूब पर तो डालते ही हैं, उसके अलावा हम हमारी वीडियोज़ को फेसबुक और इंस्टा पर भी डालते हैं। इंस्टा पर आपको रील्स मिल जाती हैं, कुछ दिनों बाद फेसबुक पर आपको पूरी वीडियो मिल जाती है। और इस मैंने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, विच इज़ www.virtualbanjara.com, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कुछ भी और चीज़ें डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हो। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर नाउ, अब मैं इसको थोड़ा लपेट के खा लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।